इतना सा कपड़ा लिया 1900 हो गया, कतो एक डिस्काउंट दीबें ना। ओ बाबा 1960, अभी बनाने में मुझे कितना सारा पैसा लगेगा। इस बार दुर्गा पूजा में गिफ्ट देगा और मैंने प्राप्ति के लिए कुछ लिया। और ये देखो पूजा का शॉपिंग, खाना बना खा लिया, मैं सोचा अभी दिखाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, अभी कितना बज रहा है देख लो। दिखाता हूँ, 12:30 बज रहे हैं। अरे ये देखो अभी तक सो रहा है। अहमदाबाद में 6 बजे कभी कभी 5:30 बजे उठ जाते थे, यहाँ पे तो 12:30-1 बजे तक सोता है। रात को इतना लेट सोता है ना इसीलिए। और बाहर आ रहा है बारिश हल्का हल्का। ओ माय गॉड, भूल ही गई बाहर कपड़ा है। 3-4 दिन हो गए ढाबा में कपड़ा, बारिश आता है गीला होता है फिर धूप से सूखता है, पता ही नहीं चलता घर से बारिश आ रहा है क्या नहीं। ए देखो 3 दिन बाद आई कपड़ा लेने के लिए। यार कपड़ा का हाल एक बार देख लो, कितनी अच्छी तरह से दो दो क्लिप डाल के दिया था, कितनी अच्छी तरह से डाल के गई थी। एक्चुअली मैं कल आई थी लेने के लिए कपड़ा को, फिर देखा थोड़ा थोड़ा गीला है, फिर मैं छोड़ के चला गई। और मैं गई थी बैंक में, यार इतना बारिश आया ना सब कपड़ा गीला हो गया। फिर मैं सोचा चलो सुबह सूख जाएगा, अभी बज रहा है 3, सुबह थोड़ा सूख गए थे और दोपहर बारिश आके सब गीला हो गया। मैं सोचा अभी ले ही लेता हूँ, कहना चाहे गीला हो जाए कुछ भी हो जाए, नहीं तो ऐसा करके कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अभी तक गीला ये देखो 3 दिन बाद भी कपड़ा गीला है। पता नहीं हम लोग इतना आलसी क्यों करते हो कपड़ा लेके जाने के लिए। क्या ना मुझे लगा सूख जाएगा तो फिर एक केवल ले जाऊंगी। पहले दिन तो धो के बाथरूम में डाल दिया था, रख दिया था उधर। मतलब 4th दिन हो गया आज कपड़ा गीला है, अभी तक कपड़ा का कोई प्यार भी नहीं है। और एक टी शर्ट पता नहीं कहाँ उड़ गया, बहुत जो से हवा चल रहा था ना कल, ढूंढा मिला नहीं। और 3 दिन बाद भी देखो गीला कपड़ा ले जा रहा हूँ। इससे अच्छा कल ले लेती, कल हल्का हल्का से गीला था, मुझे लगा सूख जाएगा अच्छी तरह से। यार इतना गीला है ना, स्मेल भी आ रहा है। अभी जाके वॉश करके दोबारा डालना पड़ेगा, मैं घर पे ही डालूंगी, क्या ना साथ पे डालते हैं तो पता नहीं चलता बारिश कब आता है कब जाता है। और आलसी के कारण ऊपर चढ़ता भी नहीं और कपड़ा ऐसा करके ख़राब हो जाता है। क्योंकि बाकी कपड़ा तो ठीक है लेकिन B1 का ब्लैंकेट एकदम इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा वाला ब्लैंकेट ख़राब हो गया, मतलब गंदा हो गया है, इसीलिए उसको ये वाला चाहिए। ए बोलती हूँ ना, तुम्हारा ब्लैंकेट कुछ आए B1 का कुकुर कुक बुआ, कुकुर कुक बुआ, कुकुर कुक करो, क्या लेने आ रहे हो कुकुर कुक। अच्छा ये क्या है B1, ये क्या है, ये आपका है क्या, आप ये भी आपका है क्या, कुकुर कुक बुआ, कुकर कुक बुआ बुआ, कुकुर कुक ए बुआ। कौन सी गया ऐसा गेम आपको B1? ओ ओ ओ ना वाला नहीं, ना वाला नहीं, ना वाला नहीं, ना 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 ये वाला नहीं, हाँ ये नहीं, ठीक है ना। A few moments later. ए देखो B1 लेके आ गए मार्केट में, मार्केट मतलब हमारा इलाका में। तो यहाँ पे ना ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। B1 हिलो मत, मैं ड्रेस बनाऊंगी पूजा में पहनने के लिए, बट पता नहीं चल रहा है कैसे, मतलब कौन सा बना है। गुजराती कपड़ा है देखो ये वाला, इससे मैं एक ड्रेस बनाऊंगी, जब रेडी हो जाएगा दिखाऊंगी। आदरी को मैंने बोला था भेजने के लिए बट वो भेज नहीं पाएगा। मेरे को आटा का गोश 400 मीटर 400 टाका। यहाँ पे 3-3 कलर है बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, चेस्ट में बस डिजाइन करूँगी इससे। इतना गॉर्जियस वाला कुछ है ही नहीं, सिंपल सिंपल है सब। कौन सा अच्छा लगेगा, ब्लू तो सुंदर लगता है ना। उसको मैंने ऊपर बैठाया था लेकिन ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे बैठ गया। क्या नाद्रिक बोला था मुझे छानिया छुरी भेजेगा, मतलब नवरात्रि में जो पहनता है वो भेजेगा, बट कोई आने वाला ही है नहीं इंडिया से तो कैसे भेजेगा। दू ड्रेस में रेडी करूँगी स्पेशल दुर्गा पूजा के लिए। और यहाँ पे मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, देखो अर्गन जगह है, 200 मीटर है, 250 मीटर है ये वाला, कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। ए B1, ये B1 इतना नोटी करता है ना, मतलब बैठता ही नहीं 1 मिनट के लिए। और मैं बस एक ड्रेस का कपड़ा लिया, क्या ना कुछ आइडिया नहीं आ रहा है।
और देखते हैं अगर ये ड्रेस जल्दी बन जाए ना अच्छा लगेगा तो दूसरा बनाऊंगी कुछ। दुर्गा पूजा 3 दिन रहता है यहाँ पे, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा ड्रेस रेडी हो गया है। अरे इसको देखो एक बार, इतना सा कपड़ा लिया 1900 हो गया। कतो ये तो डिस्काउंट दीबे ना, ओ बाबा 1960। अभी बनाने में मुझे कितना सारा पैसा लगेगा। ए रुक रुक, तू कहाँ भाग जा रहा है, गाड़ी को बुला रहा है, तू कहाँ भाग जा रहा है, की करो तू भी। देखो बार बार राउंड एंड राउंड घूम रहा है तब से। ये हमारा इलाका में दुकान है ठीक है, और जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है भैया का दुकान में आ जाता हूँ। पूरा टाइम पता नहीं किसने सीखा है उसको घूमने का, घूमते रहता है पूरा टाइम। ए देखो हम अभी घर पे जा रहे हैं और टेलर्स में जाके सबसे पहले कपड़ा दे दूंगी। दुर्गा पूजा शायद 10 दिन बाकी है, दुर्गा पूजा में बना देगा अंकल, और डिजाइन कैसे देने वाला बाद में दिखाऊंगी। जैसा सोचा पता नहीं ऐसा बनाएगा क्या नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे देखो शाम के नाश्ता है, एक्चुअली बहुत दिन बाद बनाया है। और इसको क्या बोलते हैं बांग्ला में पता है, चापटी है, आटा से बनता है। इसके अंदर देखो मैदा आटा दोनों से बनता है और राइस का फ्लोर से भी बनता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाला हुआ है, एग है, शुगर है, और देखो हरी मिर्ची भी है। और दीदी नहीं है क्योंकि दीदी के लिए वेट कर रही है, बनाने के बाद दीदी चाय बनाएगा फिर जाके खाएंगे। अरे चापटी का क्या बोलते हैं, मतलब चापटी के साथ चाय ना बहुत अच्छा लगता है। विपन को थोड़ा खिला दिया, विपन देखो यहाँ पे फेंक के चला गए सब। देखो दीदी को उठाया नींद से, फिर जाके दीदी चाय बना के लेके आए, ग्लास तोड़ते तोड़ते। दीदी तो अनलकी है, अनलकी है मतलब। अरे है दीदी, देखो दीदी और फ्राई किया है चापटी को, और फ्राई करके और थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी बनाया, हम लोग खा लिया चाय के बिना। अरे हमारा देखो गुजराती स्टाइल, तुझे पता है ये है गुजरात का मतलब जो राबारी लोग होते हैं ना, हम उनके घर पे गए थे, वो लोग ऐसे बटकी में चाय देते हैं बाउल में, तो ये है गुजराती स्टाइल। एक्चुअली हम लोग पीते नहीं है बिकॉज हमारे घर पे काफी नहीं, तो इसे पीना ही पड़ रहा है। लो कौन किसमें पीने वाला है, पी लो। अच्छा हम लोग इसमें क्यों पी रहा हो रितिका, हमारे घर पे कप नहीं है इसी वजह से, नहीं तो यहाँ पे बांग्लादेश में कोई नहीं पीता, सब टूट गए सब के सब। और दीदी इंडिया में चली जाएगी इसलिए कुछ खरीदता भी नहीं है, जितना है इतना ही दूसरे लोगों का घर पे रख के जाना पड़ेगा। ये देखो रितिका ने कौन सा फिश लेके आया, ताजा ताजा, इसका नाम है पुटी पुटी। बहुत दिन बाद मैं वाला फिश खाने वाला हूँ, मिक्स है इसमें है। देखो थोड़ा तो पकड़ के देखता हूँ, पुटी फिश बोलता है, लेकिन वो बहुत छोटा है, मिक्स है, छोटा छोटा है। झगड़ा कर रहा है मेरी बहन किसके साथ पता नहीं। ये तो उस दिन मैं क्लीन करके रखा था, 2 दिन से फ्रिज में परा परा खराब हो गया। दीदी से चिल्ला रहा है, बोल रहा है सब खराब हो गया है दूध। हाँ ऐसे लग रहा है। अरे देखो ताल लेके आया, इसका नाम है बांग्ला में ताल बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, और प्लम बोलते हैं शायद इंग्लिश में। इसका पीठा बनाएंगे, इसका कच्चा वाला बीज होता है ना, इसका जेली टाइप का होता है, वो मिलता है गुजरात में लेकिन फ्रेश नहीं मिलता, बांग्लादेश में बहुत फ्रेश मिलता है। ये है पक्का एकदम, देखो नरम नरम है। कल इसका पीठा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे दिखाऊंगी, बहुत यमी होता है। एक्चुअली ना जन्माष्टमी के टाइम लोग इसका पीठा बनाते हैं, बट लेके नहीं आया था, इसका पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। ए बाबा जम्बूरा गरम गरम हो गया, इसके पीछे लगते लगते एकदम गरम हो गया। अभी एक खाया है, एक जम्बूरा लेके आया और एक ताल लेके आया। इसको प्राइस कितना चलिस ना, वो 120 टाका है, 150 टाका, वो 150 टाका है, मैं क्या बोल रहा 40 बोल रहा था, 150 टाका। ये भी 150, वो बाबा क्या महंगा, ये भी 150, ये भी 150, मुझे लगा 40 का है, बहुत महंगा। तो इसको अभी काट लेते हैं, बहुत बड़ा सा है जामबूरा। और ताल है ना, मतलब बहुत मेहनत का काम है ताल का पीठा बनाना, ताल का पीठा काल बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आना पड़ेगा, दिखाऊंगे। बहुत अच्छा बनता है पीठा, बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पीठा खाने के लिए, बहुत दिन से खाया नहीं। पूरा जामबूरा देखो इतना बड़ा सा है, खुल के इतना सा हुआ है अंदर, और भी छोटा हो जाएगा। इसमें दाना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दाना। मुझे पिंक कलर का व्हाइट कलर का दोनों अच्छा लगता है, दोनों का टेस्ट सेम होता है। तुझे ये देखो रात का डिनर रेडी हो गया। और ये ना ये एक बॉल भर के बनाया था, अभी इतना बचा है मेरे लिए जस्ट। ये क्या पता है, दूधी होता है ना जो बॉटल गॉट, इसका डंडा और पत्ता उस दिन गाँव से लेके आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके अंदर कोई मसाला नहीं आते। और ये पुई शाक, तो पुई शाक को बांग्ला में पुई शाक बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं। और ये छोटा फिश, जितना था पूरा बना दिया दीदी ने, काटने में बहुत टाइम लगा। और ये ड्राई फिश का, ड्राई फिश से बनाया हुआ है। आप विवान बोलो आप खाओगे,
इवन खाएगा नहीं, ये बस ऐसे लाइट देख ऐसा कर रहा है। पूरा पत्ता ही पत्ता प्लेट में, डांडा पत्ता, इसमें कुछ मसाला नहीं आता ना, ऐसा लगता है। ये अलग है, दोनों डिफरेंट है। हाँ दोनों डिफरेंट है। अच्छा ये वाला साड़ी दीदी ने लिया रूपा दीदी के लिए, ठीक है, इस बार दुर्गा पूजा में गिफ्ट देगा। और मैंने प्राप्ति के लिए कुछ लिया, मैं दिखाता हूँ प्राप्ति के लिए मैं क्या लिया। पता नहीं दीदी को अच्छा लगेगा क्या नहीं, मैं बस दिखा रही हूँ। ग्रे कलर में बनारसी साड़ी है, क्या नाम है, कातन, कातन, हाँ कातन साड़ी है, कातन। इसका प्राइस है 2500 टाका। बांग्लादेश में लोग बनारसी लाइक करता है, बनारसी कातन पतला सा है, कलर भी अच्छा है। पता नहीं दीदी को अच्छा लगेगा क्या नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। मैं बोला दीदी को सूट दे दो, ड्रेस दे दो, मैं पापती को ड्रेस देने वाला हूँ। 3000 में लिया, देख ना बांग्लादेश में कपड़ा का ऐसा चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का थोड़ा सस्ता में मिलता है। देखो सामने से प्रिंट थोड़ा सा, बीबन अंदर रो रहा है करके कैसे कर रहा है दीदी, वो दरवाजा लगा के आ गए ना इसलिए रो रहा है। और ये देखो पूजा का शॉपिंग, खाना वाना खा लिया, मैं सोचा अभी दिखाती हूँ। और बीबन भी सो गया है यहाँ पे, क्या ना फर्स्ट टाइम पूजा के लिए शॉपिंग किया। और मैं तो ड्रेस बनाने दे के आई थी, तो देखता हूँ ड्रेस कैसा बनता है, जैसा दिया ऐसा बनेगा क्या नहीं। इतना सारा पैसा खर्चा हुआ, सिलाई में शायद 800 टका जाएगा, मैं दिखाती हूँ रुको। तो दोनों मेरे लिए लिया है, बांग्लादेश का एक ब्रांड है, देखो टैन टॉप, यह है बांग्लादेश का ब्रांड टैन टॉप। सीरियसली बताओ तो प्राइस बहुत हाई होता है इसमें, और कुछ नहीं कपड़े में इतना दम नहीं होता, लेकिन प्राइस में बहुत दम होता है। क्योंकि दुर्गा पूजा में यहाँ पे रहूँगी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इंडिया से लेके आती। और ये एक्चुअली मैंने लिया, देख लो मैं तेरा खुल के दिखा देती हूँ। तो ये है धोती वाला पैंट है, मैं लाइट चालू नहीं किया ऐसे दिखा रहा हूँ, धोती वाला पैंट है और बहुत गैर वाला पैंट है, ठीक है। और इसके साथ, और इसके साथ ये वाला है, ये थोड़ा शॉर्ट कमीज है, ये थोड़ा मटेरियल अच्छा भी है। और देखो ये है अंदर का फैब्रिक, ठीक है, और इसमें एडजस्ट वाला कोट है, और पीछे का देख लो एडजस्ट वाला है, वो भी है। तो इसमें बाई भी लगा सकते हो, स्लीव लगा सकते हो, ये दुपट्टा और ये है ये। तो ये 3500 में लिया है टैन टॉप से, तो मैं प्राप्ति को दूंगी। दीदी ने क्या ना, दीपा दीदी ने रूपा दीदी के लिए साड़ी खरीदा और मैंने ये लिया प्राप्ति के लिए। ये हो गया प्राप्ति का, बोलना प्राप्ति का ड्रेस कैसा हुआ क्या ना, मैं सडनली प्लान किया जो ये वाला प्राप्ति को दे दूँ। मैंने तो लिया था मेरे लिए, बट जब देखा दीदी बोला मेरे रूपा को देने वाला साड़ी, तो मैं सोचा साड़ी के साथ ये भी दे दूँ एक, तो उनका ड्रेस हो जाएगा। और पैनल के लिए बहुत सारा चीज़ें है, टी शर्ट वगैरह है वो अभी। और ये देखो ये है मेरे लिए, ठीक है, ये भी धोती वाला पैंट है और इसमें भी अंदर वो है, ये भी बहुत अच्छा मटेरियल है और जिपर वाला है। तो ऐसा पैंट मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, मेरे लिए अच्छा रहेगा। और इसका दुपट्टा है, और ये मैंने इंडिया से लिया था, ठीक है, देखो 1400 रुपये में इंडिया से लिया था। ये देखो शॉर्ट वाला फ्रॉक टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। कितना सारा नया नया पड़ा है मेरे पास, पता है, कभी भी पूजा में मतलब शॉपिंग करने का होता ही नहीं है, फिर भी मैंने कर लिया थोड़ा सा शॉपिंग। ये मेरे लिए शॉपिंग ही है, ठीक है। अब बीवन का तो है ही बहुत सारा, इतना सारा पैसा चला गया खापुर कपड़ा खरीदने में, क्या रेडीमेड ड्रेस सस्ता पड़ता है उल्टा, और बनाते हैं ना कपड़ा खरीदते बहुत महंगा पड़ता है। और बीवन देखो आवाज से उठ जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।